महासमुंद जिले के बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान उड़ीसा से मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से गांजा ले जा रहे दो युवकों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बसना के परसकोल चौक बसूला में पुलिस टीम के द्वारा लगातार वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 15 किलो गांजे को जब्त किया। जब्त किए गए गांजे की कीमत 7 लाख के करीब बताई जा रही है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय पेश किया है। आज दिनांक 20/10/23 को वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी लव कुमार पांडे एवं भोगीलाल सागर निवासी बरबला के द्वारा मोटरसाइकिल में अवैध रूप से पुलिस गांजा परिवहन करते हुए 15 किलोग्राम कीमती 7,50,000 रुपये को आरोपी कब्जे से जब्त कर 20 का NDPS की कार्रवाई थाना बसना में की गई है।